दोस्तों इस टाइम फेसबुक बहुत सारा अपडेट ला चुका है, बहुत सारा मौका दे रहा है पैसा कमाने के लिए, तो आप भी पीछे मत हटो, आप भी ये स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फेसबुक स्टार वाला ऑप्शन कैसे एनेबल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि फेसबुक प्रोफाइल से भी अर्निंग होता है, स्टार वाला ऑप्शन से भी अर्निंग होता है। बहुत सारे लोग जो फेसबुक प्रोफाइल है वो चलाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता क्या इससे अर्निंग होता है। बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं फेसबुक पे। दोस्तों अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर आप फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा एक फोटो अपलोड करने में, या रील्स अपलोड करेंगे या कोई वीडियो अपलोड करेंगे, अगर स्टार वाला ऑप्शन एनेबल कर देंगे तो आपको कोई भी स्टार देगा तो उसका आपका रेवेन्यू मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, आपका कन्वर्ट होके वो पैसा मिलेगा अगर आपको कोई भी स्टार देता है। तो इस टाइम फेसबुक बहुत सारा अपडेट ला चुका है, बहुत सारा मौका दे रहा है पैसा कमाने के लिए, तो आप भी पीछे मत हटो, आप भी ये स्टार्ट कर दो। अगर फेसबुक यूज़ करते हो तो आखिर टाइम वेस्ट करते हो, टाइम बर्बाद करते हो, तो इससे बेटर है कि आप उससे कुछ फ़ायदा हासिल करो, कुछ बेनिफिट हासिल करो। पहले क्या होता था फेसबुक प्रोफाइल पे कि मतलब कुछ भी अर्निंग नहीं होता था, मतलब एक रुपया भी अर्निंग नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हुआ फ्रेंड, कि नया अपडेट आया था फेसबुक का कि अपने फेसबुक प्रोफाइल को पर्सनल मोड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि फेसबुक प्रोफाइल को पर्सनल मोड में कन्वर्ट कैसे करें तो मैंने ऑलरेडी इस पर भी वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाकर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को जरूर देखना कि फेसबुक प्रोफाइल को मतलब पर्सनल मोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद में फ्रेंड अपने जो आपका वीडियो है उसमें स्टार वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको सेटिंग में जाना है। मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा कि स्टार वाला ऑप्शन कैसे एनेबल करते हैं और कैसे आपको रेवेन्यू मिलेगा, कैसे पैसे मिलेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देना दोस्तों। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप को बताते हैं, तो वीडियो को एंड तक देना दोस्तों। सी डैशबोर्ड आपको नजर आएगा, सीधा हम लोग सी डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। उसके बाद हमने करना क्या है, फिर यहाँ गेट स्टार्ट लिख क्या रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपके सामने जो है आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपके जितने भी पोस्ट आप करेंगे, यहाँ पे पोस्ट रीच दिखाएगा, एंगेजमेंट दिखाएगा, इंप्रेशन कितना आ रहा हो दिखाएगा, नेट फॉलोअर कितने आ रहे हैं आपके, सारे के सारे यहाँ पे शो करेगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नीचे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है जो की बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है इसमें मोनेटाइजेशन का टूल, क्योंकि इसी में आपको सब कुछ मिलने वाला है, जितने भी टूल्स होते हैं सारे के सारे। आप देख सकते हैं स्टार सबसे ऊपर है, स्टार इनका इनेबल है, बस मुझे सेटअप करना है। उसके बाद बोनसेस है, इन स्ट्रीम ऐड है, सब्सक्रिप्शन है, ये सारे के सारे अभी इनेबल नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार का सेटअप करेंगे, ठीक है। आप लोगों में अगर आप लोगों ने भी नहीं किया है तो आप भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही बारीकी से मैं आपको हर चीज बता रहा हूं। यहां से फिर हम स्टार पे क्लिक कर देंगे, सेटअप नाउ पे, सेटअप लिखा हुआ था, सेटअप पे हमने क्लिक कर दिया। अर्न मनी विद स्टार, मतलब स्टार से आप पैसे कमा सकते हैं फेसबुक पे, ठीक है। तो हम लोग गेट स्टार्ट कर देते हैं। गेट स्टार्टेड से क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आपके सामने आएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट लीगल नेम डालना है, लीगल लास्ट नेम डालना है, और यहाँ में डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। और नीचे कंट्री लिखा हो तो यहाँ पे आपने करनी है कंट्री इंडिया, उसके सिवा और कुछ नहीं करनी। अगर आप इंडिया में है तो इंडिया में करेंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तान, बांग्लादेश में बांग्लादेश, जिस भी कंट्री में आप होंगे आपको अपनी कंट्री चॉइस करनी है, गलती से कोई और कंट्री चॉइस ना करें। और बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं तो उनकी कंफ्यूजन में सबसे पहले दूर कर देता हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया मैं पैन कार्ड किसी और का लगा रहा हूँ और नाम किसी और का डाल रहा हूँ, या पासबुक किसी और का लगा रहा हूँ, अकाउंट किसी और का यूज कर रहा हूँ, पैन कार्ड किसी और का, तो बिल्कुल ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी नाम यहाँ पे आप डालेंगे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम में, जो नाम आप डालेंगे उन्हीं का पैन कार्ड भी आगे यूज करना है, उन्हीं का बैंक भी यूज करना है। पहले से आप डिसाइड कर लें किसका आपको बैंक यूज करना है, मतलब अकाउंट किसका यूज करना है, पैन किसका यूज करना, हर चीज आप पहले से डिसाइड कर लें। जिसका भी आपको यूज करना है उन्हीं का यहाँ पे नाम होगा, डीओबी होगा, हर चीज होगा, ठीक है। ये बात अच्छे से आप समझ लें। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको कंट्री चॉइस नहीं करनी है, कंट्री आपका खुद ब खुद चॉइस होगा क्योंकि पीछे आपने कंट्री चॉइस की होगी। और नीचे आपको करना है बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल करना है, सिर्फ इंडिविजुअल ही रखना है, याद रखें। उसके बाद फिर हमने आगे नेक्स्ट कर देना है। अभी जो कॉलम खुल के आया है ये मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप नेक्स्ट करेंगे तो लीगल फर्स्ट नेम लिख के आएगा जो कि आपने पहले नाम लिखा होगा, तो नाम वैसी को वैसी रहने दे, आपको कुछ नहीं करना है। लीगल मिडिल नेम कुछ नहीं करना है, लीगल लास्ट नेम कुछ नहीं करना है, नीचे डीडीओबी आपकी होगी वो भी कुछ नहीं करना है। अब यहां बात आती है, देख लें प्राइमरी एड्रेस, यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस लिखा हुआ है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो पूरा एड्रेस डाल लेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा होगा वही एड्रेस हमने यहाँ पे डालना है, ठीक है। नीचे आ गई सिटी, जो आपकी सिटी होगी आप सिटी डाल देंगे। उसके बाद देख लें स्टेट आप डाल देंगे, जिस भी स्टेट से आप अपना स्टेट डाल देंगे यहाँ से। उसके बाद जिप कोड डाल देंगे, जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड, जो भी आप कह लें,
कई सारे लोग कई नाम से कहते हैं, तो यहाँ पे आप डाल देंगे जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होगा। नीचे अपना फोन नंबर डाल देंगे, उसके बाद नीचे जो है ईमेल आईडी डालने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ लिखा हुआ है परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है, मतलब पैन कार्ड के जो भी डिजिट होते हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना, वैट यहाँ पे लिखा हुआ है, वैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शनल है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शनल, आपको नहीं यहाँ पे कुछ छेड़ना ही नहीं, आपको डालना भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना, बस ऊपर जो है पैन नंबर डाल देना है और उसके बाद आगे फिर आके यहाँ बॉक्स पे जो है आपको ऐसे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको चॉइस करना है आपका पेमेंट कहाँ पे आना है, ठीक है, मैन्युअली लिंक बैंक अकाउंट और नीचे लिखा हुआ है लिंक यूर पेपल अकाउंट। अगर आपको पेपल के बारे में पता है, आपके पास पेपल अकाउंट है, तो आप पेपल चॉइस कर सकते हैं, अन्यथा आप मैनुअल लिंक बैंक अकाउंट के साथ ही जाएंगे और 90% लोग बैंक अकाउंट के साथ ही जाते हैं, मैं खुद जाता हूं, ठीक है। तो हम यहां पे क्लिक कर देंगे मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट पे और उसके बाद कुछ आपके सामने खुल के आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल के आ गया हमारी कंट्री है इंडिया, उसके नीचे आपको डालना है अकाउंट होल्डर नेम, नीचे डालना है शिफ्ट कोड और उसके नीचे यहाँ पे लिखना है अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा आपके बैंक का, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। अब कुछ लोगों का सोचना ये होता है शिफ्ट कोड क्या होता है, शिफ्ट कोड भाई ये होता है बाहर से आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो उसके लिए शिफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप अपने बैंक में जाके अपने ब्रांच में जाके शिफ्ट कोड ले सकते हैं, अगर बाई चांस उनको नहीं पता है, वो कहते हैं कि हमारे बैंक का नहीं है, जो हमारा मेन ब्रांच है उसका है, तो आप उसका भी सकते हैं, जो भी आपके ब्रांच का जो हेड ब्रांच होगा उसका हो दे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप बाय चांस नेट से निकालना चाहते हैं तो नेट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन नेट से निकालेंगे तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से जांच कर लेंगे कि आपके ये बैंक का ही है किसी और बैंक का। निकालने के बाद हम यहां लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे इसे। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिख के दे रहा है टैक्स वेरिफिकेशन, मतलब हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है अपनी, ठीक है। तो उससे पहले हमने करना क्या है, ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर पूछेगा फेसबुक, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के अपना फेसबुक जो है दोबारा से आप लॉग इन करें, तो दोबारा से आप भी ऐसे लॉग इन कर लेंगे और मैं भी लॉग इन कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं लॉग इन करने के बाद कुछ आपसे ऐसे पूछेगा कंटिन्यू एस राम, जो भी नाम होगा आपका यहाँ पे नाम लिख के आएगा, ठीक है, आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे ऐसे, ठीक है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ये प्रोसेस आपके सामने होगा, उसके बाद दोबारा से आ रहा है तो दोबारा से हम कर देंगे ऐसे कंटिन्यू, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन का पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है, आपको भरना है टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यू आर यूएस सिटीजन, तो हम तो नहीं है भैया, हम तो देसी आदमी है, तो हम यहाँ नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे नो कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फुल नेम में आपका नाम आ जाएगा और नीचे जो है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ से आपको अपनी कंट्री जो है चॉइस कर लेनी है, इंडिया कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिख के दे रहा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ से आपको कंट्री इंडिया कर लेनी है बड़े ही गौर से, क्योंकि ये गलती आपको नहीं करनी है। बाकी नीचे आपको फिर कुछ नहीं करना है, नीचे आपको बस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और आगे कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाले बटन पे हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब आपकी कंट्री शो करेगी, एड्रेस शो करेगा, जो भी होगा सब कुछ आपका यहाँ पे शो करेगा, लेकिन मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता आपको। तो भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है ऐसे। अब यहाँ पे फिर एक बार आपका शो करेगा एड्रेस वगैरह, आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि हाँ मेरा एड्रेस ठीक है, हर चीज मैंने ठीक डाली है, तो आप फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आपको लिख के आएगा 0% ऑफ सर्विस, इस पे आप क्लिक करके और फिर आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत से लोगों का मुझे शिकायत आती है, बहुत से लोग मुझे शिकायत करते हैं कि भैया जो है मेरा जो है सिग्नेचर नहीं ले रहा है, सिग्नेचर नहीं आ रहा है। तो आप लोग पता नहीं क्या गलती करें कि आपका सिग्नेचर नहीं आ रहा, तो मैं आपके सामने सिग्नेचर करके दिखा रहा हूं और सिग्नेचर आपका भी ऐसे होगा और सिग्नेचर आपको भी ऐसे ही करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, जो भी आपने फर्स्ट पेज पे जो आपने नाम डाला होगा, लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, जो भी आपने वहां पे नाम डाला था वही नाम यहाँ पे आपको लिखना है, आपका सिग्नेचर ले लेगा। तो
ऐसे आप नाम लिख लेंगे, नाम लिखने के बाद इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। सबसे पहले इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट शो कर रहा है जिस डेट में ये फॉर्म हम लोग फिल कर रहे हैं टैक्स वाला, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्म जो है यहाँ आपके सामने खुल के आ चुका है, हर चीज इसमें है, ठीक है। तो ऐसे आप देख के और फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आपके सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि भरना कुछ नहीं, बस आपको एक बार रिव्यू करना है उसका। अब थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे लिख के दे रहा है यू आर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, ग्रीन हो चुका है, मतलब हमने टैक्स फॉर्म वगैरह सब कुछ भर दिया, अकाउंट का सेटअप भी कर दिया। उसके बाद नीचे आपको लिख के आएगा डन, तो हम डन पे जो है ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमें बैक करके अपने प्रोफाइल पे लेके चला जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप, अभी प्रोसेस में ये चल रहा है। आप देख सकते हैं यू कैन नाउ यूज स्टार, मतलब अब हम स्टार यूज कर सकते हैं, स्टार से पैसे कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्निंग और स्टार यहाँ पे शो करने लगे, मतलब आप अब अपने स्टार से पैसे कमा सकते हैं। अब आप जो है क्राइटेरिया कंप्लीट करें, सारे टास्क पूरे करें, तो आप इन स्ट्रीम एड से भी पैसे कमा सकते हैं, एड्स ऑन रील से भी पैसे कमा सकते हैं, बोनसेस भी आपको फेसबुक दे सकता है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।